स्किन को रीटच करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, सबसे ईजी और परफेक्ट जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो गाइज, आई एम सुख दीमान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बिगिनर फोटो एडिटर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन को रीटच करने में ही आती है, क्योंकि यार स्किन को रीटच करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। बट गाइज, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊँगा जिस ऐप की मदद से आप अपनी कोई भी फोटो की स्किन की रीटच बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है Adobe Photoshop Fix, जो कि आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री ऐप है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और गाइज, इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप में जब आप अपनी फोटो को एडिट करते हो और उसको एक्सपोर्ट करते हो या सेव करते हो, तो उस फोटो की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और नहीं हो चैनल पर तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन तो जोर से दबाना जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ही लेना, इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में। तो Adobe Photoshop Fix ऐप को आपने ओपन कर लेना है और प्लस के बटन पर क्लिक करके सबसे ऊपर जो मोबाइल का सिंबल बना है उस पर क्लिक करो, और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया है Adobe Photoshop Fix की ऐप में। आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो जो बिल्कुल स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा है। इसमें कोई भी सेटिंग नहीं मैंने अभी तक की, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं किया इस फ़ोटो में, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा है बिल्कुल। इस फ़ोटो की आज हम स्किन रीटच करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें जूम कर लेना है, और आप नीचे देखो आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं। आपको फोर्थ नंबर पे जो मिलता है हीलिंग, वो चूज़ कर लेना है, और अपनी स्किन पे पूरा जूम करके आपको ऐसे ब्रश से पेंट कर देना है, जहाँ जहाँ आपको अपने पिंपल वगैरह कोई और जो आपकी स्किन में है जो अनवांटेड थिंग आपको चाहिए उस पर आप ऐसे पेंट कर दीजिए। ऐसे आप पेंट करते रहिए, मतलब आप पूरा जूम करके ऐसे आप बस जहाँ से आपको रिमूव करना है जो चीज़ उस पर आप ऐसे टैप कर दीजिए। बस ऐसे आप टैप कीजिए, और आप देखो जो आपकी फेस, सॉरी जो आपकी स्किन से पिंपल्स वगैरह थे, जो भी कुछ भी था, वो गायब हो चुके हैं। तो आपको पता ही होगा यार हीलिंग ब्रश का। तो यहाँ से हम इसको टिक करते हैं नीचे से, और इसके बाद आपको जाना है सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन डी फोकस में। डी फोकस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइज पे क्लिक करना है, दबा के रखना है इसको, और ऊपर की साइड करोगे तो ये इसका साइज़ जो है ज़्यादा हो जाएगा, नीचे की तरफ करोगे तो कम हो जाएगा। तो साइज़ हम अराउंड 30 के आसपास रखते हैं, हार्डनेस बिल्कुल ही ज़ीरो रखते हैं, ओपेसिटी हम 70 और 80 के अराउंड बीच में रख लेते हैं। और स्किन को पूरा जूम कर लेते हैं, और बस आपको क्या करना है कि आपकी स्किन है जो उस पर आपको ऐसे पेंट कर देना है। बस ध्यान रहे एजेस में आप मत करो, पहले आप स्किन पे कर लो, स्किन के एजेस पे मत करो, बस ऐसे आप इसको पेंट करते रहो। और आप देखो यार गाइस कि जो हमारी स्किन है वो स्मूथ कितनी हो चुकी है, और आप बस ऐसे पेंट कीजिए। बस एजेस पे आप अभी मत कीजिए, अभी बीच बीच में ऐसे करते रहिए। एजेस पे हम करेंगे, जब हम ओपेसिटी कम करेंगे ना तब एजेस पे कर देंगे। अगर आप ज़्यादा ओपेसिटी रख के एजेस पे भी कर देंगे ना, तो जो आपके अगर आप ज़्यादा ही ओपेसिटी रख के अपने स्किन पे एजेस पे पेंट करोगे ना, तो जो आपकी बियर्ड वगैरह में हेयर है वो उनके साथ अच्छे से मैच नहीं हो पाएगी, वो अलग से चमकेंगे, ऐसा लगेगा कि आपने हाँ यार स्किन रीटच की, मतलब स्किन को आपने बहुत ज़्यादा स्मूथ किया हुआ है। तो आप देखो कि यहाँ से हमने कर लिया है, मतलब जो जो एजेस को छोड़ के हमने पूरी स्किन पे पेंट कर लिया है, एंड आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। अब आपको जाना है ओपेसिटी में, और ओपेसिटी में आप इसकी 50 के अराउंड ही रखो, और यहाँ एजेस पे आप पेंट कर दो। दैट्स ऑल, आपको एजेस पे यहाँ पे पेंट कर देना है। बस ध्यान रहे कि आपने जूम करके, पूरा जूम करके ये अच्छे तरीके से करना है। और मैं ये आईज के ऊपर भी कर रहा हूँ ऐसे।
यहाँ यहाँ से भी इसको कर देते हैं, मतलब आपको अपनी पूरी स्किन पे कर लेना है, जहाँ जहाँ अपने स्किन को स्मूथ करना है। That's all, बस आप यहाँ रह चुका है, थोड़ा सा यहाँ भी कर देते हैं। और जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ ज़्यादा करना है, तो वहाँ आप ओपेसिटी ज़्यादा करके भी कर सकते हो। तो यार आप देख सकते हो कि जो हमारी स्किन है वो कितनी अच्छे तरीके से इसमें स्मूथ हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यार कि कितनी अच्छी हमारी स्किन है जो स्मूथ हो गई है। और अब हम आते हैं अपनी नेक के ऊपर, यहाँ से भी हम फिर ऐसे ही जो है साइज़ को ज़्यादा कर लेते हैं, अराउंड 60, और साइज़ को भी बड़ा कर लेते हैं, सॉरी ओपेसिटी को 60 कर लेते हैं और साइज़ को बड़ा कर लेते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे भी हम ऐसे डायरेक्ट पेंट कर देते हैं बस। और गाइज आप देख सकते हो कि कितने प्रोफेशनल हमारी जो फोटो है वो लग रही है, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हमारी जो है फोटो हो चुकी है। आप बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हो। तो ये ही आपको अपनी स्किन पे करना है, मतलब एजेस पे आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपके एजेस हैं वहाँ पे आप ओपेसिटी कम करके, को ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए वहाँ आप ज़्यादा ओपेसिटी रखो, जहाँ कम चाहिए वहाँ कम रख के कर लो। और यहाँ से अगर आपके कहीं और हो चुका है, जैसे आपके हेयर्स पे भी पेंट हो चुका है, तो आप यहाँ रिस्टोर के बटन पे क्लिक करके यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने रिस्टोर किया ना, तो वह बिल्कुल ही गायब हो गया, बट मैं यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ। ओ सॉरी, डिफोकस आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ से हम टिक कर देते हैं इसको, और आप देख सकते हो हमारी स्किन है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से यार वो हो चुकी है स्मूथ। अगर आपको डोजन बर्न करना है, तो आप ये लाइट वाले टैब में आके यहाँ से लाइट सेलेक्ट करके पेस्ट इसके 10 ही रखो, और साइज इतना हार्डनेस बिल्कुल कम रख के बस ऐसे आप पेंट कर दो, जहाँ जहाँ आपको लाइट चाहिए, आई मीन डोज आपको जहाँ जहाँ करना है। तो डोज एंड बर्न भी आप इस ऐप में ही कर सकते हो। ये मैंने ऐसे ही मतलब आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में कर दिया, आप इस ऐप से बिल्कुल परफेक्ट डोज एंड बर्न भी कर सकते हो। दैट्स ऑल, तो यहाँ से टिक कर देते हैं। तो गाइज आपने देखा कि यार कितनी अच्छी हमारी इस ऐप में स्किन जो है स्मूथ हो गई है। और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इस ऐप में आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है यार आपकी फ़ोटो को फिक्स करने के लिए। आपने देख लिया होगा गाइज कि हमने इस ऐप की मदद से कितनी आसानी से अपनी फ़ोटो की जो स्किन को रीटच कर लिया है, और कितने इजी तरीके से यार हमने इसमें रीटच किया। आई होप गाइज आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जोर से लाइक करना, और चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ अगली किसी और भी ज़्यादा कमाल की वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय।